When I say something, it's come from God's inspiration from my mouth. सुनिए, जब मैं शब्दों को बोलता हूँ, वो परमेश्वर बोलता है मेरे जरिए. That is the apostolic anointing. और ये है प्रेरितों की एक अभिषेक. So right now when I'm standing here, जब मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ मैं, just to prove to you that God's anointing on me, that God came with me here. और इस बात को सबूत देने के लिए कि मैं आया परमेश्वर का अभिषेक मेरे साथ. So I didn't prove about myself. मैं अपने बारे में सबूत नहीं देता. My father proves about me. मेरा पिता मेरे बारे में सबूत देता है. हालेलुया, हालेलुया. एक बार हाथ उठा के हवन कमर से लाउडली हालेलुया. जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया. How many of you want to see God is in this place? कितने लोग देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है? देखना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे हैं, या तो एक कान या दोनों कान से बहरे हैं. नॉट वन टू, एक दो नहीं. Many are there who cannot hear either in one ear or both ears standing here. आप में से बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं, बहुत से लोग हैं जो एक कान या दोनों कान से सुन नहीं सकते. And the Lord want to touch you. और प्रभु आपको छूना चाहता है. God want to heal you. आपको चंगा करना चाहता है. Hallelujah. Hallelujah. So all those who cannot hear in one ear or both ears. जो व्यक्ति एक या दो कान से सुन नहीं सकते. Just raise your hand up. अपने हाथ उठाएं. सुनिएगा, यदि आप एक कान या दोनों कान से सुन नहीं सकते, यदि आपने किसी को लेके आया, ऐसे लोग हाथ उठाएं. Come on, all those who cannot hear one ear, both ears, show me your hand. चलिए, आप एक या दो कान, दोनों कान से सुन सकते, अपने हाथ दिखाएं. When I say you are there, come on, if you want to be healed, show me your hand. यदि आप चंगाई को पाना चाहते हैं, अपने हाथ तो दिखाइए. जब मैं बोलता हूँ तो है. So all those raise the hand up, people with deafness in one ear or both ears. जो लोग अपने हाथ उठाए, जो एक या दोनों कानों में बहरे हैं. Quickly leave your place, come in the front here. जल्दी से निकल के सामने आए, जल्दी से निकल सामने आ जाएं, जल्दी निकल के. Come on, all those who want to be healed. जो चंगाई को पाना चाहते हैं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आए, जल्दी आए. There are some more people that said, if you're not coming, you miss out the healing. Don't go back and pray again. सुनिएगा, कुछ लोग यहाँ पे हैं, आप आना नहीं चाह रहे हैं, आप समय को खो देंगे, रोएंगे अब जाके. Don't go back home and cry when you see there heal. You go back with the deafness, you will not be healed. और ऐसा है कि आप आ रहे हैं, आप आना नहीं चाह रहे. लोग चंगाई पाके जाएंगे, जो नहीं आएंगे रोते हुए जाएंगे. क्या मतलब? Okay, may I have any volunteers present here? Volunteers हैं? Yes. All the volunteers, can you see your hand? Volunteers जो है अपने हाथ दिखाएं. Come on, come quickly in the front. Volunteers, come quickly volunteer, in the front. Volunteer, आ जाए सामने में. Come on, quickly, all the volunteers, come in the front. Volunteers, आ जाए सामने. Brother, can you remove this, please? The back, take it back. Take this back. Volunteers, listen to me. Volunteers, सुनिए मेरी बात. One volunteer, don't stand behind one person who came for healing. सुनिए. जो वॉलंटियर से जो प्रार्थना के लिए आए हैं, उनके पीछे में जाके खड़े हो जाएं. वन वॉलंटियर स्टैंड बिहाइंड वन पर्सन हू केम फॉर हीलिंग. जो प्रार्थना के लिए आए हैं, एक वॉलंटियर उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं. कवर वन वॉलंटियर हीड वन पर्सन. एक वॉलंटियर एक व्यक्ति के साथ में रहे. कवर जल्दी से. वन वॉलंटियर स्टैंड बिहाइंड वन पर्सन हू केम फॉर हीलिंग. सुनिए, जो चंगाई के लिए आए हैं, एक वॉलंटियर उस भाई या बहन के पीछे में आके खड़े हो. Okay, now volunteers, look at me. Volunteers. Volunteers, मेरे को देखिए आप. Volunteers, look at me. देखिए आप, जितने volunteers. Listen carefully. बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए. Ask the person standing in front of you which ear they cannot hear. उस व्यक्ति से पूछिए जो आपके सामने खड़े हैं, कौन से कान से वो सुन नहीं कर सकते, दोनों तरफ या एक तरफ. And then whichever ear they cannot hear, volunteer, you must put your hand on that ear. और जो कान से आप जान रहे हैं कि ये कान से सुन नहीं सकता, तो वहां पे आप अपने हाथ को, उंगली को रखिए. वॉलंटियर लोग, अपना हाथ जो उस कान पे रखो जो कान में सुनाई नहीं देता है. If they are hearing machine, remove the machine. यदि सुनने वाला मशीन है तो निकाल दीजिए. Volunteers, look at me. Volunteers, मेरे को देखिए. I'm going to pray now. अभी मैं प्रार्थना करूंगा. I will not pray in my name. मेरे नाम से प्रार्थना नहीं करूंगा. I will not pray in the name of any church. मैं कोई चर्च के नाम से नहीं प्रार्थना. I'm going to pray in the name above all names, the name of Lord Jesus Christ. और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा जो सारे नामों में ऊंचा है. At that name, और उस नाम में every knee shall bow. अरे घुटना टिकेगी. Hallelujah. Hallelujah. So volunteer, listen carefully. Volunteer, बड़े सावधानी पूर्वक. After I finish prayer, मैं प्रार्थना समाप्त कर लूं. Volunteers, listen carefully. बड़े
volunteers बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए. After I finish prayer, प्रार्थना समाप्त होने के बाद में, you will check their ears. आप उनके कानों को जांच के देखिएगा. That means, इसका मतलब है, after I pray, प्रार्थना हो गई, whichever ear you're putting your hand, जिस हाँ कान के ऊपर में आप अपने हाथ रखे हैं, go there and talk hello, सुन सकते हैं क्या, सुनते हैं क्या, check कर रहे हैं. आप जाके सुनिए, बोलिए उनसे हेलो भाई, सुन सकते हो अभी, प्रार्थना हो गई, आप सुन सकते हो क्या, पूछिए. When you test them like that, जब आप उनको ऐसा जांच ले, you will see that they start hearing. और आप देखेंगे कि वो सुनने लगेंगे. And when you see them hearing, और जब वो सुनने लगेंगे, bring them like this to testify for the glory of God. यहाँ पे लेके आइए ताकि प्रभु के महिमा के लिए गवाही दे. क्या उस तरह से क्या फर्क है भाई, महिमा का क्या हो तो उस तरफ से आए तो मैं बोल रहा ना, come bring them this side. इस तरफ ले लेके आइएगा. Shall we pray? आइए हम दुआ करें. Okay, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Hallelujah. We worship you Father. हम आपकी आराधना करते पिता. We worship you Father. हम आपकी आराधना करते स्वामी. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Father in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम में. I bring all the dear people before you. इन प्रिय लोगों को हम आपके पास में लाते हैं. I thank you for the name of Jesus which is higher than any other name. धन्यवाद यीशु के नाम को जो सारे नामों में ऊंचा है. That at the name of Jesus. यीशु के नाम में. Every knee shall bow. हर एक घुटना टिकेगी. Hallelujah. Hallelujah. In the name of the risen Savior, Lord Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा हुआ नासरी का स्वामी है. I take authority over every foul, deaf spirit. हर एक कुबेरी आत्मा के ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ मैं. Every deaf on the mute spirit. हर एक गूंगी बेरी आत्मा. I command all the deaf and the mute spirits. Come out of this people in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि गूंगी बैरी आत्मा इन लोगों के अंदर में से निकल आए. I speak to every deaf ear open in the name of Jesus. हर एक बैरी कान यीशु के नाम में खुल जाए. Every mute tongue speak in the name of Jesus. हर एक गूंगी जुबान यीशु के नाम में बोलने लगे. Ears, hear me. कान मेरी आवाज को सुन. I speak to you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ मैं. Open this second now. इस समय खुल जाए. And stay open all the days of their life. उनकी जिंदगी के अंत तक खुला रहे. Ears, come. Hear me from now. सुन अब मेरी बात. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. I thank you since you bore their sickness, you carried their pain. धन्यवाद आपने उनके बीमारी और दर्द को अपने ऊपर में ले लिया. By your stripes. आपके कोड़े खाने से. I declare all of them are healed. मैं ये बात की घोषणा करता हूँ, ये सब ठीक हो गए. The risen Savior, Lord Jesus Christ, heals you now. यीशु नासरी आपको अभी चंगा करता है. Thank you, Lord, for healing your people. धन्यवाद प्रभु अपने लोगों को शिफा देने के लिए. All the deaf ears open. सारे बेरे कान खुल जाए. Thank you for healing them, God. धन्यवाद इनको चंगा करने के लिए. It is finished. ये समाप्त हो गया. I give you glory. मैं महिमा देता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Everybody shout loud, Amen. सब लोग बोले Amen. Hallelujah. Hallelujah. Open your eyes. आँख खोलिए. अभी यीशु को चमत्कार देखना चाहते हैं आप लोग? यीशु को Amen. Do you want the miracles of Jesus? यीशु के चमत्कार देखना चाहते हैं? No. हाँ या नहीं? Yes. If you want, raise hands and say yes. Yes. हाँ तो बोलिए. Okay. Now volunteers, take your hands off. Check their hearing now. आप उनके हाथों से हाथ हटाइए और जांच के देखिए उनके कान. Check them, all those who are healed. जांच them. जांचिए, जांचिए. जिन्हों सुनने लगे उनको लेके आए. Check them. जांचिए, जांचिए, जांचिए. Talk in their ear, check their hearing. Come on. उनके कान में बोलिए, बात कीजिए, जांचिए. जो All those who are healed, bring them this side. जो चंगाई को पाए लेके आइए. यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महा, यीशु है दाता महा. Life is
बहन का नाम सावित्री है, पिछले तीन साल से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपने प्रॉब्लम से कान पे, इस कान पे लेफ्ट हैंड साइड में, तीन साल से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब इनको सुनाई दे रहा है। आई आई हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाना नहीं आता लोगों को। कौन से कान? आज नई नसें बन गई हैं और ये पूरी तरह से सुन रहे हैं। He was deaf in both the ears for 15 years. 15 साल से दोनों कान से बहरे थे। His nerves were dead. That's why he could not hear. इनके नस बिल्कुल सूख चुके थे, इसलिए सुन नहीं पा रहे थे। Tonight the Lord touched him. He started hearing after 15 years. 15 साल के बाद प्रभु ने इनको स्पर्श किया, सुन रहे हैं। That means, इसका मतलब है, dead nerves came back to life. और जो मरा हुआ नस है, वो फिर से जीवित हो गया। जो यीशु मरा हुआ लाजर को उठाया, ये नस को जिंदा किया। In Jesus' name, Amen. Amen. आपका नाम? अमन। God bless you, Amar bhai. God bless you. Yes, please. ये बहन को 5 साल से एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था, आज जब आपने प्रार्थना किया तो ये पूरी तरह से चंगी हो गई है, प्रभु की महिमा। अच्छा भाई, आइए 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 भाई, आइए इधर आइए। आपका नाम क्या है? सरिता जी। कौन से कान पर सुन रहा था? कितने साल से? 5 साल। 5 साल से। अच्छा, बंद कर उसको, उंगली रखो अंदर। जी जोर से ताली प्रभु के लिए, जोर से ताली बजाइए प्रभु के लिए। फादर थैंक यू फॉर हीलिंग माय सिस्टर। आमेन। I bless my sister in the name of Jesus. Thank you, Jesus. You are healed. Stay healthy all the days of your life. आप चंगाई को पाएं, जिंदगी भर स्वस्थ रहें। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आशीष दे। God bless you. प्रभु आशीष दे। Hallelujah. Come on, let's give the Lord a clap of praise. ये अम्मा की पिछले 7 साल से दोनों कान से इनको सुनाई नहीं पड़ता था, पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। आज इन्हें पूरी तरह से सुनाई पड़ा। हालेलुया, ताली प्रभु के लिए। ताली बजाइए प्रभु के लिए। बताइए। 5-6 साल से ना मेरे कान से पूरा आवाज भी आता था और ना सुन नहीं सकती थी ठीक से, अभी मैं सुन सकती हूँ और मैं अभी ठीक हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर के पास भी नहीं गई कि प्रभु को विश्वास करती हूँ बोल बोल के ना। फिर एक दिन प्रभु ना, मैं कोटिया आई हूँ, मैं अपना बहू घर आई थी, फिर मेरे को इन लोग आए ना, तो मैं भी आई कि मैं भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रार्थना जब होता है तो मैं जाके प्रभु को पास मैं जाके बोलूंगी करके मेरे को और भी मौका दिया, मेरे को चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम गीता है। हाँ, मैं सुन सकती हूँ अब। हम रहते हैं ना, हम ठकरा नहान में रहते थे, अभी तो मैं गई हूँ कोटिया, गई हूँ मेरे नतनी के घर में, तो मेरे को यहाँ आने का मेरे प्रभु को धन्यवाद दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को प्रभु के लिए ताली। कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार। गॉड ब्लेस दिस मम्मा, थैंक यू फॉर हीलिंग हर, यू हील्ड हर, आई गिव यू ग्लोरी, आई ब्लेस हर इन जीसस नेम। Amen, 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 amen. God bless you, God bless you. ये बहन को बचपन से सुनाई नहीं देता था एक कान में,
अभी प्रभु ने चंगाई दी है। बचपन से मतलब मेरे कान में पत्थर मैं खुद ही डाल ली थी, उसके बाद हाँ उसके बाद से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मैं इस कान में जैसे हेडफोन रखती थी तो कोई भी मुझे बुलाता था नहीं सुनाई देता था। लेकिन आज मैं जब और मैं विश्वास मतलब मैं विश्वास करती थी अगर मैं ईश्वर के पास आऊंगी प्रार्थना करवाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं प्रेयर नहीं करवाई थी। लेकिन आज आप बोले कि आओ आपको चंगाई मिलेगा तो मैं आई और मुझे सुनाई दी। आमेन। सुनो 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 लिसन टू दिस। ये मेरी बेटी है, मैं पास्टर सोमनाथन। बचपन में जब इनका भाई छोटे थे, ये भी छोटी थी, उस समय एक कंकट डाल दिया था, कंकट डाल दिया था। और उस समय पीछा डॉक्टर है दुर्ग में, ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने बोला पर्दा फट गया है, अब कभी भी सुनाई नहीं देंगे। लेकिन मैं वहां खड़े थे, कोई मुझे बता दी आपका बेटी को प्रभु ने चंगा किया करके, परमेश्वर ने बड़े काम किया है। हालेलुया। इनका बचपन से सुनाई नहीं देता था, इनके दोनों कान में छेद है, एक कान में लेफ्ट कान में दो छेद है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन आज इन्हें पूरी तरह से चंगाई। आपका नाम खुशबू, क्या हुआ था बड़ा? मैं बचपन में छोटी थी तो मेरे कान में मैंने कागज मोड़ के से डालना शुरू कर दिया, वो डालती थी, उसके बाद में मेरे कान से मतलब ब्लड और पस दोनों ही बहते थे, और जैसे भी ठंडा जैसे लगता था तो मेरे को ज़्यादा दर्द होने लगता था। और डॉक्टर यहीं पे अपने रतन तिवारी करके एक डॉक्टर है, उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। बस दो दिन के बाद मेरा ऑपरेशन था, मम्मी को कहीं से डॉक्टर का नंबर पता चल गया दूसरे का, तो उसके बाद से पता नहीं मन में मेरे विश्वास था कि जब से मैं प्रभु के पास में आऊँगी तो मेरा कान ठीक हो जाएगा। और मैं उसके टाइम से मैं बोल दी कि ऑपरेशन का दूसरे दिन था, पर मैं बोल दी कि नहीं मैं नहीं कराऊँगी ऑपरेशन, और मैं आज तक ऑपरेशन नहीं कराई थी। परमेश्वर शायद आज किस दिन का वेट करा था कि मैं ठीक हूँ। और मेरे को अभी दोनों कान से लेफ्ट से मेरे को कम सुनाई देता था और राइट से मेरे को ज्यादा सुनाई देता था, पर अभी मैं चेक जब करने लगी तो मेरे को दोनों से बराबर सुनाई देता। Lord, I thank you for healing her. I bless her in the name of Jesus. You are the healer. I give you glory in Jesus' name. प्रभु तू चंगा करने वाला है, आपने चंगा किया, मैं महिमा इज्जत आपको देता हूं। God bless you, sister. बहन आशीष। God bless you. Amen. सब प्रभु के लिए ताली कमाओ। ताली बजाई। I have a question. मेरे पास एक सवाल है। Do you believe my father is here? क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरा पिता मेरे साथ है? That's why I tell you, I don't give proof, my father gives proof. और ये नहीं कि मैं सबूत दूं, लेकिन मेरा पिता सबूत देता है। If he is with me, he will show the proof. यदि वो मेरे साथ है तो सबूत देगा। He showed the proof, he is here. वो इस बात का प्रमाण दिया कि वो मेरे साथ है। कल चमत्कार का धमाका। आमीन। एवरीवन स्टैंड अप वंस अगेन, स्टैंड अप एवरीवन। एक बार सब खड़े हो जाएं। जितने भी बहने हैं सारे मिलके बोलेंगी आहा। वाह सुपर। सारे भाई मिलके बोलेंगे ओहो। भाई और बहन मिलके पांच बार हे 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 हे। और एक बार पांच बार करो। यस। पांच बार सारे मिलकर कमान बोलिए।
शक्तिमान के परमेश्वर की तरफ से है। Almighty God is giving invitation to everyone here। आप में से हर एक को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये न्योता देना चाहता Hallelujah. है। Hallelujah. And he saying, और वो कहता है, Call upon me in the day of trouble। वो कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार। Call upon me in the day of trouble। संकट के दिन में मुझे पुकार। The day of trouble। संकट के दिन। Who does not know the meaning of the word trouble? किसको नहीं मालूम संकट के दिन का Every मतलब? One of us have gone through troubles in our life. हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में संकट में से होके गुजरे हैं। 2019, you went through lot of troubles in your life. 2019 में आप अपने जीवन में बहुत परेशानियों में से होके गुजरे हैं। Many of you are sitting with so many troubles in your life. हम में से कई लोग बैठे हैं बहुत संकट के साथ में। It can be financial trouble. हो सकता है आर्थिक तंगी। It can be sickness problem. या आपके जीवन में बीमारी और फैमिली ट्रबल या पारिवारिक समस्या और जॉब ट्रबल या आपकी नौकरी की समस्या और ट्रबल इन योर बिजनेस या आपके व्यापार में समस्या और ट्रबल इन द मिनिस्ट्री या आपकी सेवकाई में समस्या ट्रबल इन द चर्च हो सकता है मुश्किल चर्च वी ऑल नो व्हाट इज ट्रबल हम सब मालूम है संकट क्या होता है बट ओनली प्रॉब्लम इज लेकिन एक ही परेशानी ये एवरीबॉडी थिंक्स हर एक व्यक्ति सोचता है ओनली दे हैव ट्रबल्स अदर्स आर हैप्पी दूसरे लोग के पास समस्या नहीं हमारी हमी परेशानी एवरीबॉडी थिंक ओ ब्रदर यू नोबडी नोस ट्रबल आई एम गोइंग टू द मैक्सिमम ट्रबल और लोग बोलते हैं भाई सबसे ज्यादा परेशानी तो मेरे पास में किसी और के पास में नहीं है बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड मैं चाहता हूं आप इस बात को एवरीबॉडी सिटिंग हियर हैव सम और द अदर ट्रबल पे हर एक व्यक्ति जो बैठा है किसी ना किसी संकट या परेशानी है बट ओनली थिंग इज सिर्फ एक ही बात है योर ट्रबल इज नॉट माय ट्रबल इज नॉट योर ट्रबल बस परेशानी है कि आपकी समस्या मेरी नहीं है मेरी समस्या आपकी नहीं है ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट 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 ट्रबल्स हम सबों के पास में अलग अलग संकट है मुश्किल है बट व्हाटएवर ट्रबल वी हैव लेकिन जो भी समस्या क्यों ना हो व्हाटएवर यू आर जो भी क्यों ना हो व्हाटएवर नेम यू आर इज आपका नाम कुछ भी व्हाटएवर रीजन यू फॉलो कारण से पीछे चलते Whether you're rich or poor, धनी हो या गरीब हो, Whoever you are, चाहे कोई भी क्यों ना हो, Whatever trouble you're going through, जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं, Everybody want only one thing. सबके पास सबको एक चीज चाहिए. Everybody want one thing. एक चीज सबको चाहिए. We want to come out of trouble. हम मुश्किल से निकलना चाहते हैं. कितने लोग हैं अपने मुश्किल से निकलना चाहते हैं हाथ उठा के दिखा एक बार उठा के एक बार हल्ले बोलो अरे हल्ले बोलो अरे हल्ले
See, nobody want to be in trouble. कोई व्यक्ति संकट में रहना नहीं चाहता. Till today, आज तक nobody came to me and asked me to pray like this. कोई भी व्यक्ति आके मुझसे ये नहीं बोला ऐसी दुआ करो. Pastor साहब, पादरी साहब, please pray for me. कृपया मेरे लिए दुआ कीजिए. अच्छा बहन, what do you want? अच्छा बहन, आपको क्या चाहिए? Pastor साहब, पादरी साहब, मेरे लिए प्रेयर करो कि मुझे ज्यादा संकट आ जाए. मेरे लिए दुआ कीजिए कि बहुत संकट, हमारे ज्यादा संकट आ जाए. किसी को संकट चाहिए भाई? किसी को संकट चाहिए? दुआ करवाना है? दुआ करना है कि संकट चाहिए क्या? दुआ करवाना है कि संकट आ जाए? कष्ट लगावना अन्ना, ना कष्ट लगावना अन्ना, जब मरी मा कष्ट ले नीमी तो चेतल प्रार्थना चेस्ता. Anybody want trouble? Anybody want trouble here? किसी को समस्या चाहिए, मुश्किल चाहिए? Nobody wants to be in trouble. कोई समस्या में नहीं रहना चाहता. So how did we come out of trouble? मुश्किल से कैसे निकले? Each one find different ways. हम में से हर एक व्यक्ति अलग अलग रास्ता ढूंढ निकालता है. One way many people want to find. एक तरीका सब लोग पाते हैं. Suicide. आत्महत्या. Suicide. आत्महत्या. People think when they commit suicide, their problems are over. लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करेंगे उनकी समस्या खत्म. There is one rich man in Karnataka. कर्नाटका में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति है. And this man has a chain of shops which are very famous all over India. और ये पूरे इसके पास एक दुकान है और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है. It's called Coffee Day. वो है Coffee Day. Coffee Days are there everywhere. Coffee Day जो है सारी जगह पे आप मिलेंगे. I don't know Bhilai, they may not have. Is there Bhilai also? Yeah, we have. Yes, Coffee Days in Bhilai also. Bhilai में mall में Coffee Day है. Coffee Day is from Karnataka. और कर्नाटका से है वो. And Coffee Days all over India. और सारे भारत वर्ष में कॉफी डे. The man who owns the coffee day. और जो आदमी उसका मालिक था. Very 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 rich man. बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति. Last year. पिछले साल. We were shocked when we read the newspaper. हम बड़े आश्चर्य में पढ़ गए जब अखबार में ये हमने पढ़ा. That this rich man who owned the whole coffee day. Yes, ये आदमी जो धनाढ्य व्यक्ति था, पूरा कॉफी डे का मालिक था. One day he went in his car. वो अपने एक दिन अपने कार में गया. He told the driver. उसने ड्राइवर से कहा. Please wait for me. कृपया मेरे लिए खड़े रहना. And the driver was waiting. तो ड्राइवर वेट कर रहा है. This man got out from the car. ये कार से उतरा. He walked on a bridge. वो एक पुल के ऊपर गया. रिवर फ्लोइंग. और वहाँ पे पानी बह रहा नीचे. सो बिग रिवर इज देयर. बड़ा भयंकर वहाँ पे नदी है. And then he's walking on the bridge. और वो ब्रिज में चल रहा है. And the driver is waiting. और ड्राइवर वेट कर रहा है. But that man never came back. वो आदमी वापस कभी नहीं आया. Driver waited till afternoon. वो फिर तक वो आदमी इंतजार किया. The man did not come. वो आदमी नहीं आया. When the call? Call आया. The phone is switched off. और बंद हो गया फोन. बंद. They didn't know what happened. नहीं मालूम क्या हुआ. Then somebody came and said. किसी ने आके कहा. We saw somebody. हमने किसी को देखा. Walking on the bridge. वो ब्रिज में चल रहा था. Jump in the water, committed suicide. और पानी में कूद के आत्महत्या कर लिया. करोड़पति. करोड़पति आदमी. Coffee Day owner. Coffee Day का मालिक. Jump from the bridge into water, committed suicide. और पानी में कूद के आत्महत्या कर लिया. His body was found after many days in a rotten condition. कई दिनों के बाद उसका शरीर बुरे हालत में मिला. सवाल ये होता है कि अगर पैसे से सारे तकलीफ जा सकते हैं, तो ये करोड़पति खुदकुशी क्यों किया? I want you to understand. मैं चाहता हूँ कि एक बात को आप समझे. Whether you're rich or poor, चाहे आप गरीब हो या धनाढ्य हो. Everybody knows what is trouble. हर एक को मालूम है मुश्किल क्या है. Everybody is thinking, who will help me? और सब बोलते हैं कौन मेरी सहायता करेगा. Some of us think, हम में से कुछ लोग सोचते हैं, so if we go to the politicians, they will help us. यदि हम राजनेताओं के पास जाए वो सहायता करेंगे. Our MLA, maybe your MLA want to help you. हो सकता है कि आपके MLA आपकी सहायता करना चाहते. Your MP want to help. आपके एमपी सहायता करना चाहते. चीफ मिनिस्टर वांट्स टू हेल्प यू. आपके मुख्यमंत्री सहायता करना चाहते. और प्राइम मिनिस्टर वांट टू हेल्प. हमारे प्रधानमंत्री सहायता करना चाहेंगे. दे आर आल्सो ह्यूमंस. लेकिन वे भी इंसान हैं. दे हैव द लिमिटेशन. उनके पास भी उनकी सीमा है. दे कैन नॉट सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम. हमारी सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते. सपोज यू हैव अ कैंसर. मान लीजिए कैंसर हो. यू आर द बेस्ट डॉक्टर. आप बेस्ट डॉक्टर होंगे. बट डॉक्टर कैन नॉट हेल्प यू. लेकिन डॉक्टर आपकी सहायता नहीं कर सकते. लेट मी टेल यू समथिंग. एक बात बताऊं मैं आप. नो मैन कैन हेल्प यू. कोई व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता. व्हेन यू आर इन ट्रबल. जब आज मुश्किल में आप हैं. पास्टर राम बाबू. पादरी राम बाबू. व्हाट शैल आई डू नाउ. मैं क्या करूं. आई हैव कम विद अ गुड न्यूज. मैं आपके पास शुभ संदेश के साथ में आया हूं. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर ने मुझे बोला मेरे लोगों को ये अच्छी खबर सुना दो. आमेन. सुनाओ.
कितने लोग सुनना चाहते हैं? पता है परमेश्वर ने क्या बोला? आज कोई भी संकट है, परमेश्वर ने कहा मुझे पुकारो, मैं आपको छुटकारा दूंगा। God said, परमेश्वर ने कहा, call upon me in the day of trouble, संकट के दिन मुझे पुकार, I will deliver you, मैं छुड़ाऊंगा। Hallelujah. Amen. When he says, I will deliver you, he will deliver you. जब वो कहता है मैं छुड़ाऊंगा तो वो छुड़ाएगा। Hallelujah. 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 Amen. I remember, मैं याद करता हूँ, many years ago, कई साल पहले, I went to preach in one street. मैं एक सड़क में प्रचार करने के लिए गया। So I'm standing on the street and preaching. मैं सड़क के पर खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। As I was preaching, जब मैं प्रचार कर रहा था, one man came walking. एक आदमी चलते हुए आया। Really drunk. पूरा पिया हुआ। He came. हिलते हुए आया। And there was water there. वह पानी था। He fell in the dirty water. और गंदे पानी में गिर गया। And again he got up. फिर उठा। And he went walking away. और फिर वो चलते हुए निकल गया। Fully drunk. पूरा पिया हुआ। I finished my preaching. मैं अपना प्रचार खत्म किया। I was going away. मैं जा रहा था। One lady came running. एक महिला दौड़ते हुए आई। She said, उसने कहा, Brother Ram Babu, please come to my house. कृपया मेरे घर में आइए। I said, sister, मैंने कहा बहन, it is night 10 o'clock. ये रात 10 बज रहा है। Tomorrow I will come. कल आऊंगा मैं। She said, no, please now only. नहीं नहीं कृपया अभी यही आना है। She caught my feet. मेरे पैर को पकड़ ली। You must come crying. You must come to the room. रो रही है, कह रही है, आज ही आपको आना मेरा घर। So I went to their house. मैं उनके घर में गया। When I entered the house, जब मैं घर में गया, I saw this same man fallen in the house, a drunk man. ये वो वही आदमी था, वो शराब पी घर में पड़ा हुआ है। He was fallen in the house. वो घर में पड़ा हुआ है। I asked the lady. मैंने पूछा महिला से, Who is this man? कौन है ये आदमी? She said. उसने कहा, Brother, this is my husband. भैया, ये तो मेरा पति है। He's been drinking all the time. आपने हर समय पीता है। And she said. उसने कहा, भैया, look into my house. भैया, मेरे घर में आइए। Look into my house. मेरे घर में देखिए। I saw the house. मैंने घर देखा। I was so surprised. मैं बड़ा आश्चर्य हो गया। In that house, उस घर में, there was nothing. कुछ भी नहीं। Not even a plastic bucket or plastic mug. एक प्लास्टिक मग भी नहीं था, ना बाल्टी था। I asked her, why is it like this? मैंने कहा, ऐसा क्यों है? She said, उसने कहा, my husband sold everything on drinking. उसने कहा, मेरा पति सब कुछ बेच डाला और बेच के पी डाला। And she said, उसने कहा, भैया, look on the floor. अब देखिए जमीन को। I saw the floor. मैंने जमीन को देखा। Even the black slabs of the floor also he removed to sell. और वो फर्शियों को भी बेच डाला, उसको निकाल के बेच डाला। And she said, मैं उसने कहा, not only this, सिर्फ यही नहीं, she called her daughter, अपनी बेटी को बुलाया, 5-year-old girl, 5 साल की लड़की, she said, उसने कहा, my husband, मेरा पति, make this girl to carry her dresses and her toys, और ये जो लड़की को उसके खिलौने के नीचे में ड्रेस लेके जाता है, no, he will tell that girl, वो लड़की को अपने कपड़े ले लो, अपने खुले खिलौने और कपड़े ले लो, वो कहता अपना कपड़ा और खिलौना ले लो, so the little girl, छोटी लड़की, takes her dresses, अपने कपड़े को लेती है, and takes her toys, और अपने खिलौने को लेती है। So this fellow sends her to neighbor's house, और ये आदमी आता पड़ोसी के घर में, he sends the girl to neighbor's house, और भेजता है इस बच्ची को बगैर पड़ोसी के घर में। 5 साल का बच्ची घर घर जाना है, 5 साल की बच्ची घर घर जाती है, knock the door, दरवाजा खटखटाती, and somebody open, कोई दरवाजा खोलेगा, she takes her frocks and her toys, और अपने खिलौने और फ्रॉक को लेके लेती है, and she tell the people, और लोगों से कहती है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे कपड़े लो, मेरे खिलौने लो, पैसे दो, हम लोगों को खाने का है। So when people give money, so people snatches the money, go and drinks. और जैसे ही लोग दया करके पैसा दिए, उसको लेके पीने चले जाता। He never talked to his 5-year-old girl even once. एक बार भी 5 साल की बेटी से बात भी नहीं किया। Morning to night, morning get up drinking till the night drinking. सुबह से लेकर रात तक पीते ही रहता है। She said, उसने कहा, भैया, you are a man of God. आप प्रभु के दास हैं। Please help us and pray for him. कृपया हमारी सहायता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। She said, उसने कहा, if God doesn't help us, यदि प्रभु हमारी सहायता ना करे, there's only one way out. एक ही तरीका है। Me and my daughter will commit suicide. मैं और मेरी बेटी आत्महत्या कर लेंगे। I said to her, मैंने उससे कहा, no sister, नहीं बहन, call upon the Lord in the day of trouble. संकट के दिन परमेश्वर को पुकारिए। मेरा यीशु मदद करेगा। मेरा यीशु मदद करेगा। Hallelujah. Hallelujah. I laid my hands on that man. मैंने उस व्यक्ति के ऊपर मैं हाथ रखा। I rebuked the demon of alcohol to come out. और दुष्टात्मा को मैंने डांटा पीने की निकल आए। You demon of alcohol, come out. मैंने कहा पीने की आत्मा निकल आए। I prayed for him. मैंने उसके लिए दुआ की। And I told that lady. मैंने उस बहन से कहा। Tomorrow, कल,
I will send my staff to see him. मैं अपना स्टाफ भेजूंगा उसको देखने के लिए. I came away. मैं वापस आ गया. Next morning, दूसरा सुबह, my people went to their house. मेरे लोग उसके घर में गए. And when they went there, जब वो वहाँ पे गए, they saw this man had shower, shave, neatly dressed and sitting and waiting. और ऐसा है कि ये आदमी नहाया धोया शेव करके इंतजार कर रहा है. When my people went there, जब हमारे लोग आए, they said, "What happened this man?" उसने कहा, इसके साथ हुआ क्या? His wife said, उसकी पत्नी ने कहा, पता नहीं. Till last night, pastor prayed for him. पादरी साहब ने पिछली रात दुआ की. Morning he got up, सुबह के समय उठा. Did not go for drinking, पीने के लिए नहीं गया. He asked, "What happened to me?" उसने कहा, मेरे साथ हुआ क्या? I said, Pastor Ram Babu prayed for you. मैंने कहा राम बाबू साहब ने आपके लिए दुआ की. He said, he went and had a shower. उसने कहा जाके नहाया. पीने के लिए मन ही नहीं आ रहा है. पीने का मन ही नहीं कर रहा है. They came to see me. वो मुझको देखने के लिए आए. I told him about Jesus. मैंने यीशु के बारे में कहा. That man received Jesus into his life. उस आदमी ने यीशु को ग्रहण किया अपने दिल में. This happened on Saturday. ये शनिवार को हुआ. Sunday morning. रविवार सुबह. I'm standing outside the church. मैं चर्च के बाहर में खड़ा हूँ. I saw a beautiful sight. मैंने एक बड़ा खूबसूरत दृश्य देखा. This man. ये आदमी. His wife. उसकी पत्नी. Holding a daughter's hand coming to church to worship the Lord. 5 साल की बच्ची को लेके आ रहे चर्च में आराधना. Hallelujah. प्रचार कर रहा है इशू का. And that girl, और वो छोटी बच्ची, she's studying her medicine in Vellore. और मेडिसिन वो पढ़ रही है वेल्लोर में. Amen. ये यीशु का चमत्कार है. Amen. Hallelujah. अपने संकट में एक बार यीशु को पुकार के देखो, जिंदगी बदल जाएगा. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. आप अगर राम बाबू, हाउ कैन यू से दिस, राम बाबू कैसे आप बोलोगे ऐसा? यू सी राम बाबू टुडे, आज आप राम बाबू को देख रहे हैं. वंस अपॉन अ टाइम आई हेटेड जीसस, एक बार मैं यीशु को घृणा करता था. यू नो व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेक बाइबल्स, जब कभी मैं बाइबल लेता, आई यूज्ड टू डिप इट इन केरोसिन, मैं केरोसिन तेल में डालता. आई लाइट बाइबल द मैचस्टिक, और उसको माचिस से जलाता. The Bible is burning, जब बाइबल जल रहा है, I used to throw the burning Bible, मैं बाइबल को ऊपर फेंकता. And I used to say, और कहता, अरे अगर आपका यीशु जिंदा है तो अपने किताब को बचाने के लिए बोलो, जो अपने किताब को ही बचा नहीं सकता दूसरों को कैसे बचाएगा. I used to say filthy words about Jesus. और मैं यीशु के बारे में गंदी जुबानों में गंदी बातों को बोलता था. But in 1983 में जनवरी 21st, 21 He touched my life. उसने मेरी जिंदगी को छू लिया. He changed my life. उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया. Not only forgave me, सिर्फ मुझे माफी नहीं दिया. Today, आज I am preaching the Bible which I burnt once upon a time. एक समय जब मैं बाइबल को जलाया करता था, आज मैं उसी का प्रचार करता हूँ मैं. Hallelujah. 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 Today, आज whatever is your problem, जो कुछ भी आपकी समस्या है, I have invitation to you. मेरे पास आपके लिए चुनौती है, एक न्योता है. लोगों के पास जाके अपने तकलीफ के बारे में बताएं. MLA के पास गए, MP के पास गए, डॉक्टर के पास गए, हर लोगों हर इंसान के सामने जाके रोए. आज परमेश्वर का इनविटेशन. Today God is inviting you. आज परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है. Call upon me. मुझको पुकार. You called everybody. आपने सबको पुकार लिया. Jesus says. यीशु ने कहा. Today you call upon me. आज तुम मुझको पुकारो. I will deliver you. मैं तुमको छुड़ाऊंगा. Whatever is your problem, चाहे वो परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, family problem, पारिवारिक परेशानी, financial problem, आर्थिक तंगी, sickness problem, बीमारी, witchcraft problem, जादू टोना, demonic problem, दुष्टात्मक, whatever is your problem, कुछ भी क्यों ना हो, एक बार यीशु को पुकार के देखो, जिंदगी बदल जाएगा. एक बार यीशु को पुकारिए, जिंदगी बदल जाएगी. Hallelujah. Hallelujah. Jesus doesn't change your name. यीशु आपके नाम को नहीं बदलता. He will change your life. वो आपकी जिंदगी को बदलता है. Hallelujah. Hallelujah. Jesus won't give a new religion. एक नया धर्म नहीं. He will give you new life. एक नई जिंदगी देता है. Hallelujah. 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 Amen. He is here. वो हमारे बीच में है. राम बाबू. What is the proof Jesus is here? क्या प्रमाण है कि यीशु यहाँ पे है? जो चमत्कार आपके आंखों के सामने देखा, वही 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 एक प्रमाण है कि यीशु यहाँ है, यीशु जिंदा है. Amen. Can you hear a loud amen? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
to deliver you from. Why is it Jesus can deliver us, brother? क्यों परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है भाई? Why Jesus can deliver us? क्यों यीशु छुड़ा सकता है? To deliver us. हमें छुड़ाने के लिए. You know what he did? आपको मालूम उसने क्या किया? He didn't form a religion. उसने धर्म नहीं बनाया. You know what he did? उसने क्या किया? He said. उसने कहा. I love you all. मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ. I want to deliver all your trouble. मैं तुम्हें सारे संकट से छुड़ाऊंगा. He said. वो कहता है. All the trouble you are carrying. जो समस्या तुम अपने ऊपर उठा के चल रहे हो. Sin problem. और पाप की परेशानी. Bad habits. बुरी आदत. Sickness, बीमारी, financial problem, आर्थिक तंगी, family problem, पारिवारिक समस्या, demonic problem, दुष्टात्मा की समस्या, everything you are carrying, जो भी तुम उठा के चल रहे हो, Jesus said, यीशु ने कहा, you don't carry, तुम मत उठाओ, I will carry it, मैं अपने ऊपर में उठा लूंगा. हमारे सारे संकट यीशु ने अपने ऊपर उठाया ताकि हम छुटकारा पा सके. हालेलुया, आमेन. संकट से बचाने के लिए धर्म स्थापन नहीं किया, अपने संकट, हमारा संकट अपने ऊपर उठाया. And he died. और वो मर गया. He was buried. गाड़ा गया. People said. लोगों ने कहा. Jesus was a good man. यीशु अच्छा आदमी था. Said good things. अच्छे बातें कही. Did good things. अच्छे काम किए. Died. मर गया. Buried. गाड़ा गया. Story over. समाप्त हो गया कहानी. Many good people came. कई अच्छे लोग आए. Said good things. अच्छी अच्छी बातें बोले. Did good things. अच्छे काम किए. Died. मर गया. Buried. गाड़ा गया. Their graves are with us. आज भी कब्रें उनके उनकी कब्रें. But Jesus came. यीशु आया. Said good things. अच्छी बातें बोला. Did good things. अच्छा काम किया. Died. मर गया. Buried. गाड़ा गया. But did not remain buried. लेकिन गाड़ा हुआ नहीं रहा. 3 दिन के बाद. 3 दिन के बाद. After 3 days. 3 दिन के बाद. After 3 days. 3 दिन के बाद में Jesus Christ rose again from the dead. यीशु नासरी मुर्दों में से जीता. यीशु जिंदा है. हालेलुया. टुडे ही सेज. पर आज कहता है. कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल्स. संकट के दिन मुझे पुकार. आई विल डिलीवर यू. मैं छुड़ाऊंगा. आई विल डिलीवर यू. छुड़ाऊंगा मैं. आज आपका छुटकारा का दिन है. आज का दिन छुटकारे का दिन है आपका. हालेलुया. हालेलुया. चलो एवरीबॉडी स्टैंड अप विद मी वंस. सब खड़े हो जाएं एक बार फिर मेरे साथ में. कम ऑन स्टैंड अप विद मी वंस. सब खड़े हो जाएं मेरे साथ में. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. 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 आमेन. कम ऑन एवरीबॉडी स्टैंड अप विद मी. सब सब खड़े हो जाएं मेरे साथ में. क्विकली क्विकली क्विकली. जल्दी जल्दी जल्दी. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. 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 Oh, we worship you, Lord. प्रभु हम आपकी आराधना करते ही. Every eye be closed. सब आंखें बंद हो जाएं. Everybody stand up wherever you are. जहां कहीं भी आप हैं खड़े हो जाएं. Today I want us to question. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. You saw Jesus alive. आपने यीशु को जीवित देखा. You saw the miracles of Jesus. आपने यीशु के चमत्कार को देखी. राम बाबू इज नॉट द हीलर. राम बाबू कुछ नहीं कर सकता. Till today I did not heal anybody. आज तक मैंने किसी को ठीक नहीं किया. I cannot heal myself also. मैं अपने आप को भी ठीक नहीं कर सकता. Jesus is the healer. यीशु चंगा करने वाला है. Maybe you are here today. हो सकता आज आप यहाँ पे. You are born in Christian family. आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए. And you thought. और आपने सोचा. Being in a Christian family will make you a child of God. मसीह परिवार में पैदा होने से आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे. No, brother and sister. नहीं मेरे भाई और बहनों. The man about whom I said, drunkard man. जिस इंसान के बारे में बोला जो शराबी था. He is from Christian family. वो क्रिश्चियन परिवार में से था. He is a Christian family. वो क्रिश्चियन परिवार में. His name is George. उसका नाम जॉर्ज था. Being born in a Christian family will never make you a child of God. क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से आप मसीह के संतान नहीं बन सकते. You must repent for your sin and receive Jesus into your life. अपने दिल में यीशु को ग्रहण करें और उसको ग्रहण करके साथ चलें. Or you will be thinking Jesus Christ America God. या आप बोलेंगे यीशु मसीह अमेरिका का परमेश्वर है. No, no, no. नहीं. He is not the God for Christians. वो मसीहों का परमेश्वर भी नहीं है. He is the savior of the world. सारी दुनिया का उद्धार करता है. So today. आज श्रीमान. Maybe you hated Jesus all these days. हो सकता है कि आपने यीशु से घृणा किया इन दिनों में. You have your own ideas about Jesus. आपके पास अपने विचार यीशु के बारे में रहे. But today, आज की बात. You saw the miracles of Jesus. आपने यीशु के चमत्कार को देखा. You saw the, you heard the message of Jesus. आपने यीशु का संदेश को सुना. So those of you
वे लोग खुश हैं जो कहते हैं पास्टर राम बाबू All these days I had different ideas about Jesus. In tamam dinon mein mere vichar Yeshu ke vishay mein bahut alag the. Today, aaj I want Jesus to change my life. Main chahta hu Yeshu meri zindagi ko badle. Are yaar aur kitne din aisa gandagi ki zindagi jiyega? How long you want to live like this? Kaise aap kitne din aise jeevan jiyenge? How long you want to live the way you are living? Jaise jeevan jee rahe kitne din jiyenge aap? Don't you want to change in life? Kya aap jeevan mein badalna nahi chahte? You cannot change yourself. आप अपने आप को बदल नहीं सकते. Jesus can change you. यीशु बदल सकता है. Jesus who changed राम बाबू. जो यीशु ने राम बाबू को बदल दिया. The same Jesus who changed George. जो यीशु मसीह ने जॉर्ज को बदला. He will change your life today. आपकी जिंदगी को भी बदलेगा. Simple. बहुत साधारण. Call upon him. उसको पुकारिए. That's all. बस यही है. So today I want to ask a question. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. Anybody who says, Pastor Ram Babu, from today I want Jesus to come into my life, I want a change of life, I want a new life. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बोलेंगे पास्टर राम बाबू आज से मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी बदल जाए, एक अलग जिंदगी जीऊं. Then raise your hand up. I want to pray for you. आप अपने हाथ को उठाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे. You were born in a Christian family or a non-Christian family. आप कोई भी परिवार में पैदा किए हुए कोई मतलब नहीं रखता. If you want Jesus to change your life, यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपकी जिंदगी को बदले, then raise your hand up. अपने हाथ को उठाएं. All those raise the hands up. जिन्होंने हाथ उठाया, just come walking to the front here with me here. आप सामने आ जाए, चल के जल्दी आ जाए. जिन लोगों ने हाथ उठाया सब सामने आ जाए. जितने लोगों ने अपने हाथ उठाया सब सामने आ जाए. They're going to pray for you. हम आपके लिए दुआ करेंगे. Come on. आइए 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 आइए. बात ना करें, सामने आके प्रार्थना करने लगे. Come with reverence and stand at the front. सुनिए, बड़े भय भक्ति के साथ में आए और सामने आके चुपचाप खड़े होकर दुआ करने लगे. Today we are going to call upon the Lord together. आज हम सब मिलके प्रभु को एक साथ पुकारेंगे. Because he said to call upon him, he will deliver us. वो कहता है पुकारो मैं उत्तर दूंगा. Today we are going to call upon him together. आज हम एक साथ मिलके पुकारेंगे. Come, आइए. Whatever. कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ. जब यीशु ने मुझको छुआ कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ. जब यीशु ने मुझको छुआ ने मुझको छुआ यीशु ने मुझको मैं आपके पर विश्वास करता हूं. तू मेरा सृष्टि करता है. तू इंसान बन गया. तू क्रूस के ऊपर मर गया. तूने मेरे पाप को उठा लिया. तू मेरे रोगों को उठा लिया. तू मेरे श्राप को उठा लिया. तूने मेरी गरीबी को उठाया. तूने अपने लहू को बहाया. तू क्रूस के ऊपर मर गया. मैं विश्वास करता हूं आप गाड़े गए. तीन दिन के बाद में आप मुर्दों में से जी उठे. आप जीवित हैं. तू जीवित है प्रभु यीशु. मैं अपना जीवन आपके लिए खोलता हूं. मेरे सारे पापों को क्षमा कर प्रभु यीशु. मेरे जीवन में आ. मेरे जीवन को बदल दे. आज मैं आपको पुकारता हूं.
तूने वायदा किया तो मुझे छुड़ाएगा। आज मैं आपको पुकारता हूँ, मुझे छुड़ाइए प्रभु, मैं अपने छुटकारे को पाता हूँ। आज के बाद से मैं आपके लिए जीऊंगा, धन्य यीशु के नाम में, आमेन।